हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। सो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, शुरू करने से पहले गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं हम। आपको पता है हम सवाल सिर्फ सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में देते हैं। अगर डायग्राम थंबनेल में हो, अगर क्वेश्चन में डायग्राम हो तो उससे डायग्राम आपको थंबनेल में मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अभी हम लिखना, आप हमारे साथ साथ लिखते हैं ताकि आपको आसानी होगी। N2 हमारे पास है, कितना है, 115 रेडियस ऑफ लूप R इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.2 मीटर। एरिया ऑफ कॉइल ए इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.02 का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 1.256 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस 3 m। और u इक्वल्स टू 1st पार्ट इसका करेंगे।
वेरी बैड, 2.44, सही है। और m इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 30948 mH। पेश करेंगे। अच्छा, फिर इसका हम बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट है, EMF in the secondary coil. So equals to minus M di dt होप गाइस ये आपके लिए आज वीडियो हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे को हेल्प आउट होती है इससे। आप तक इसी तरह बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करते जाएंगे और दूसरे लोगों से मदद लेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसे कोई किसी चीज़ को पूछना हो, अगर हमसे सॉल्व हो सके तो हम आपको वो भी सॉल्व करके देंगे। आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन डाल दिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।